अभिजीत बिचकुले और देबुलीना के मुद्दे पर बोली है देबुलीना की माँ। अभिजीत बिचकुले पर फूटा है गुस्सा देबो की माँ का। आखिर क्या कहा है देबो की माँ ने, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। वेल, बिग बॉस के घर में हमने कुछ दिनों पहले ये देखा कि यहाँ पर देबोलीना और अभिजीत बिचकुले के बीच में काफी झगड़ा हुआ और अभिजीत बिचकुले के साथ देबोलीना कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर अभिजीत बिचकुले ने ये कहा कि पप्पी देगी ना मुझे, और इसी बात पर देबोलीना काफी ज्यादा गुस्से में आई और उन्होंने ये तक कहा कि मैं उनके साथ अनकंफर्टेबल फील करती हूँ और अब जाकर जब ओवर हो चुका तो मैंने बोला। सलमान ने भी इस मुद्दे पर बोला कि जब आपको पहली बार लगा तो क्यों नहीं बोला और उसी टाइम बोलना चाहिए। तो यहाँ पर अब इन्हीं सब मुद्दों पर देबो की मां ने रिएक्ट करते हुए कहा है कि बिचकुले ने बहुत ही बदतमीजों वाली हरकतें की, बहुत ही घटिया हरकत की और मुझे तो पहले पता ही नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला तो बहुत ही शर्मसार हुई मैं और ये बहुत ही गंदा काम बिचकुले ने किया जो भी किया। और यहाँ पर देबो की माँ ये भी कहती हुई नजर आई, पहले तो मुझे लगा कि ये छोटी बहन की तरह ट्रीट कर रहा है तो ऐसे ही बोला होगा, लेकिन बाद में उसने बार बार ये बोलना शुरू किया तो तब मेरी बेटी ने स्टैंड लिया अपने लिए। और जब सलमान ने और इन सब ने बोला कि जब पहली बार उसने ये ऐसा कुछ बोला तभी क्यों नहीं रिएक्ट किया, तब मेरी बेटी देबो जो है वो छोटे भाई बड़े भाई की तरह ही समझ रही थी और वो उन्हें दादा दादा बोलती हैं, तो इसीलिए। और जब उसे जैसे ही अनकंफर्टेबल लगा तो उसने अपना स्टैंड लिया और जो कि सही था, मेरी बेटी सही थी और बिचकुले मुझे शुरू दिन से ही बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा देबोलीना की माँ कहती हुई नजर आई है। वेल, क्या कहना है इस पर आपको? क्या देबो की माँ सही कहा है? क्या कहना है इस पर आपको? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खैर, बिग बॉस सीजन 15 की लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।